काश्तकार भाइयों, अगर आप अपनी गंदम की फसल को जो है वो महफूज करना चाहते हैं और भड़ोला भी आपके पास नहीं है, तो इसका आसान हम आपको हल बताते हैं आज। ये देखिए, अगर आप भड़ोले में जो है वो गंदम को रखते हैं तो उसके लिए आपको बहुत से जतन करने पड़ते हैं। भड़ोले को साफ़ करना पड़ता है, हर साल उसे धोना पड़ता है, उसके बाद उसे धूप में रखना पड़ता है और इस तरह से उसके अंदर जहरीली गोलियां रखनी पड़ती हैं, मिट्टी लगानी पड़ती है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप देखते हैं कि आसान हल आपको बताते हैं। इसका हल ये है कि आप अपनी गंदम जो है, आने वाली जो गंदम है आपने अगर घर के लिए खरीदनी है, तो आप भड़ोले की बजाय जो हैं जो हम बताने जा रहे हैं वो मेथड इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं। अभी बस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हर्मेटिक बैग्स कहलाते हैं जी। ये पॉलीथीन के बने हैं स्पेशली तौर पर, ये आप देख सकते हैं। इनके अंदर आप गंदम जो अपनी जो है वो रख सकते हैं, ऊपर से इसे जिपर के साथ आप बंद कर सकते हैं और इनके अंदर जो है वो गोलियां रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात याद रखना है, इसे इनके अंदर गोलियां रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आप रखते हैं। उसके बाद ये महफूज रहते हैं नमी से भी, आप पूरा सीजन इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साल करने के बाद दोबारा फिर कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये एहतियात करने के फटे ना। तो ये हर्मेटिक बैग जो हैं जी, ये बहुत ही आसान हल है, कोई भी जिंस इसके अंदर आप महफूज कर सकते हैं और ये माहौल दोस्त हैं, आपकी सेहत के लिए भी ये मसला नहीं बनाएंगे। यानी इसके अंदर नमी नहीं जाएगी और ना ही इसके अंदर जो हशरात जाएंगे जो कि आपकी फसल को या आपकी गंदम को, आपका जो भी जिंस है मसाला जाता है, उन्हें ख़राब करते हैं। तो आप आसानी से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, इसको भरने के लिए भी कोई 10-12 बंदे नहीं चाहिए। अब भड़ोले को देखें, भरने के लिए आपको उसके अंदर जो है वो थैलों को उठाना पड़ता है, तो सारा समझे घर बिजी होता है, लेकिन इसको दो बंदे जो हैं आसानी के साथ इसे कवर कर सकते हैं और आप एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद जहाँ मर्जी ने इस्तेमाल करिए रख सकते हैं। तो इसलिए आप ये प्लास्टिक जो बैग्स हैं जी, आप इन्हें इस्तेमाल करें, माहौल दोस्त हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप ये सस्ते भी हैं भड़ोले से, भड़ोला इस वक्त आपको पता है लोहे की कीमत क्या है और बड़ा वो महंगा होता है, फिर उसके बाद कुछ कुछ सालों के बाद से जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान है जी, अगर ये फट भी जाते हैं तो इतनी इनकी कीमत नहीं है कि ये बहुत महंगे हैं कि आपको बाद में लेने मुश्किल हो। काश्तकार भाई और व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि इसे हमने इसके अंदर जिंस जो भी डालनी डाल के उसे हमने ये जिपर के साथ, ये देखें इसके उसको हमने टाई के साथ जो बंद कर दिया, और अब इसके अंदर ना हवा जाएगी, ना नमी जाएगी, ना इसे कोई मुतासर करेगी चीज़। तो फिर जो है हमें जब ज़रूरत होगी हम इसे ओपन कर लेंगे। इसी तरह से आप किसी भी जिंस को जो है वो पैक करके रख सकते हैं और जब आप चाहेंगे उस वक्त आप जो इसे निकाल सकते हैं। ये देखें, ये जिपर को, ये टाई को इसी तरह से आपने लगाना है और जितना आप टाइट कर सकते टाइट करके इसको, ये देखिए जी। तो काश्तकार भाई और व्यूवर्स, उम्मीद करेंगे कि आप जो हैं ये नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भड़ोलों से जान चढ़ाएं और इन हर्मेटिक टेक्नोलॉजी वाले बैग्स को इस्तेमाल करें। काश्तकार भाई और व्यूवर्स, आप अगर ये चाहते हैं ख़रीदना तो आप ऑनलाइन जो है वो इनकी परचेज़ कर सकते हैं। हर्मेटिक ग्रो बैग अगर आप लिखेंगे, ग्रीन बैग लिखेंगे, तो वो आपको आसानी के साथ ऑनलाइन ये दस्तयाब हो सकते हैं। अक्सर अभी मार्केट में भी आ चुके हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ क्वान्टिटी में 50 kg, 90 kg के हिसाब से आपको मार्केट से आसानी से मिल सकते हैं। शुक्रिया जी।